पावर सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये वीडियो नंबर 6 है और हम इसमें मिसलेनियस एग्जांपल्स आपके सामने कुछ रखने जा रहे हैं। शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 1। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ जेड डज द सीरीज सिग्मा 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर एन कन्वर्ज। अब ये ना सोचिएगा कि इसमें जेड की पावर्स तो नहीं चलेंगे, इसमें पता नहीं क्या आ गया। जेड स्क्वायर प्लस 1 को हम डब्ल्यू मान लें या 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 को डब्ल्यू मान लें तो सिग्मा डब्ल्यू टू डी पावर एन हो गया, वेयर डब्ल्यू इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। फाइंड द सम फंक्शन ऑफ द सीरीज पहले तो आपको कन्वर्जेंस की जांच करनी है। उसके बाद फिर सम फंक्शन निकालना है। इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रियल नंबर्स में आपने पढ़ा हुआ है कि एस एन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, और इसी के अगर हम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ले लें तो सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स माने सम ऑफ होल सीरीज। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यही क्या हो गया, सम ऑफ द सीरीज। अगर सीरीज पावर सीरीज है तो इसको हम सम फंक्शन कहेंगे, यही कॉन्सेप्ट यहां भी है। तो पहले स्टार्ट अप करें, लेट सिग्मा यू एन बी द गिवन सीरीज, देन यू एन इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 होल टू डी पावर एन, यू प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 होल टू डी पावर एन प्लस 1, यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 होल टू डी पावर एन प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 होल टू डी पावर एन इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1। नाउ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1। जब ये लिमिट एक से बड़ी होगी तो सिग्मा मॉड यू एन कन्वर्जेंट होगा, देयरफॉर बाय रेशियो टेस्ट सिग्मा मॉड यू एन इज कन्वर्जेंट इफ मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1, एंड सो सिग्मा मॉड यू एन अगर कन्वर्जेंट है तो सिग्मा यू एन को हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहते हैं, एंड सो सिग्मा यू एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 1। अगर ये पहला वीडियो हमारा आप देख रहे हैं तो हम यही आग्रह करेंगे आपसे कि इसके पहले के जो 5 वीडियोज़ हैं वो जरूर देख लें, बीच में कोई वीडियो नहीं देखना चाहिए, मैथमेटिक्स है ना, ये कड़ी से कड़ी जुड़ती है। शुरू में मैंने आपसे कहा था कि सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो पावर सीरीज हो चाहे पावर सीरीज ना हो, इन्फाइनाइट सीरीज हो, उसके कन्वर्जेंस की बातचीत थ्रू एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ही होगी, वो बराबर यथावत चल रहा है। देखो अब आप कहिए वी नो दैट एवरी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, एवरी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, दस
सिग्मा यू एन डेट इज कौन है सिग्मा यू एन, सिग्मा वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन होल टू दी पावर एन इज कन्वर्जेंट फॉर मॉड जेड स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन वन। तो ये पहले का आंसर हो गया कि जेड के किन वैल्यूज के लिए ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, तो जेड के उन वैल्यूज के लिए सीरीज कन्वर्ज करेगी जिसके लिए मॉड जेड स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन वन हो। अब आइए सम फंक्शन निकालें, सम फंक्शन को हम एफ ऑफ जेड से डिनोट करेंगे क्योंकि पावर सीरीज का मसला है। उसके लिए पहले हम निकाल रहे हैं एस एन ऑफ जेड, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। हाँ यहाँ पे वेरिएशन नहीं लिया हुआ है लेकिन हम वेरिएशन लिख दे रहे हैं वन टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया बराबर वन अपान जेड स्क्वायर प्लस वन प्लस वन अपान जेड स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर प्लस सो वन प्लस वन अपान जेड स्क्वायर प्लस वन होल टू दी पावर एन। ये क्या चीज है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज ऑफ एन टर्म्स है जिसका कॉमन रेशियो इट इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज ऑफ एन टर्म्स हैविंग कॉमन रेशियो Having common ratio 1 upon z square plus 1 such that mod of 1 upon z square plus 1 is equal to 1 upon mod z square plus 1 is less than 1। Common ratio का modulus 1 से कम है तो हम formula कौन सा लगाएंगे उसके लिए है, देखिए ना ये। Therefore एस एन ऑफ जेड क्यों हम इसको कैलकुलेट करें, हम इसको ऐसा ना कर दें, देखो बताते पहले हम एस एन निकालें फिर उसकी लिमिट लें, हम यहीं पर लिमिट ले ले रहे हैं ना, इसको जोड़ने की क्या जरूरत है, एन टेंस टू इन्फिनिटी अभी लिमिट ले ले रहा है इसी चीज को। The required sum function is f of z is equal to limit n tends to infinity sn of z is equal to 1 upon z square plus 1 plus 1 upon z square plus 1 whole square plus 1 upon z square plus 1 whole cube plus so on। कितने टर्म्स थे इसमें, n टर्म्स। अब n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया तो कितने टर्म हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एड इन्फिनिटम। ये पावर सीरीज है, ये सब बातें यहाँ पे हो चुकी हैं, तो इस इनफाइनाइट पावर सीरीज है तो फर्स्ट टर्म 1 upon z square plus 1 upon 1 minus common ratio 1 upon z square plus 1 is equal to 1 upon z square plus 1 और नीचे कितना आएगा z square upon z square plus 1 this will be 1 upon z square। यही था इसका आंसर। ऐसे एग्जाम्पल एक और देखिए, एग्जाम्पल टू, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ z For what values of z does the series sigma 0 to infinity minus 1 whole to the power n bracket में z to the power n plus z to the power n plus 1 converge find the sum function of this series find the sum function of the series।
लेट सिग्मा यू एन बी द गिवन सीरीज देन यू एन इक्वल टू माइनस वन होल टू द पावर एन जेड टू द पावर एन प्लस जेड टू द पावर एन प्लस वन जीरो टू इन्फिनिटी वेरिएशन है. नाउ मॉड यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, इसका काम चिन्ह बताने का है, साइन डिटरमिन करने का है. जब मॉड लगा दिया तो इसकी भूमिका खत्म हो गई. इज इक्वल टू मॉड जेड टू द पावर एन प्लस जेड टू द पावर एन प्लस वन अपॉन जेड टू द पावर एन प्लस वन प्लस जेड टू द पावर एन प्लस टू इज इक्वल टू मॉड जेड टू द पावर एन प्लस जेड टू द पावर एन प्लस वन अपॉन जेड कॉमन ले लिया जेड टू द पावर एन प्लस जेड टू द पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू मॉड वन अपॉन जेड. इतना आप देख लो पहले. ठीक, इम्प्लाइज दैट मॉड लिमिट ले लिया जाए. इम्प्लाइज दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू वन अपॉन मॉड जेड, जो कि एक से बड़ा होगा यदि मॉड जेड एक से छोटा. देयरफॉर बाय रेशियो टेस्ट सिग्मा मॉड यू एन इज कन्वर्जेंट एंड सो सिग्मा यू एन इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट इफ मॉड जेड लेस देन वन. वी नो दैट. Every absolutely convergent series is convergent. Thus, ध्यान रखिएगा convergent कौन सी जी टी एस ए लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं, जी लिख रहे हैं, टी लिख रहे हैं, बेस लाइन लगा रहे हैं, डॉट लगा रहे हैं. तो ये abbreviation हो गया. इसको बोलते हैं शब्दों का संक्षिप्त रूप, abbreviation. Convergent का ये abbreviation standard नहीं है, exam की कापी में नहीं लिखिएगा. ये हमारे आपके बीच में केवल रहेगा. जो स्टैंडर्ड है वही लिखना चाहिए. दस सिग्मा यू एन दैट इज सिग्मा जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन होल टू द पावर एन ब्रैकेट जेड टू द पावर एन प्लस जेड टू द पावर एन प्लस वन इज कन्वर्जेंट फॉर मॉड जेड लेस देन वन. तो पहला आंसर हो गया कि जेड के किन मानों के लिए ये कन्वर्ज करेगी सीरीज. तो हमने बता दिया कि जेड के उन मानों के लिए कन्वर्ज करेगी जिनके लिए मॉड जेड लेस देन वन हो. अब सम फंक्शन लेट एफ ऑफ जेड बी द सम फंक्शन of the given series then f of z is equal to limit n tends to infinity sn of z is equal to limit n tends to infinity bracket n terms ka sum likhna hai to zero se shuru ho raha hai zero se to pehla term kya hoga वन प्लस जेड फिर माइनस दूसरा टर्म क्या होगा. अब जीरो रखे थे वन रख रहे हैं, वन रख रहे हैं तो जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब माइनस सो ऑन टू एन टर्म्स. ये ऐसे ही चलने दीजिए. इक्वल्स टू वन प्लस जेड माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब माइनस सो ऑन, एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट ले लिया तो अब क्या लिखेंगे, एड इन्फिनिटम, एड इन्फिनिटम को आई एन एफ डॉट लिखते हैं, एड इन्फिनिटम माने अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक, इज इक्वल टू वन प्लस जेड माइनस जेड इंटू वन प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू वन प्लस जेड माइनस सो ऑन, एड इनफ इक्वल्स टू वन प्लस जेड कॉमन ले लिया ब्रैकेट में वन माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस सो ऑन, एड इन्फिनिटम इज इक्वल टू वन प्लस जेड, या इस पावर सीरीज वगैरह की चर्चा करना चाहें तो करते हैं, ये पावर सीरीज है ना, ये पावर सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो जेड है और इस कॉमन रेशियो का मॉडुलस एक से कम है, आप चाहो तो यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे लिख दो मॉड जेड इज लेस देन वन, हाँ वो जो लैंग्वेज क्यों लिखे इतना ज़्यादा, तो इसका सम हो जाएगा फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस कॉमन रेशियो वन अपॉन वन माइनस जेड। गलत कर दिया ना, इसका कॉमन रेशियो कितना आएगा, इसका कॉमन रेशियो आएगा माइनस जेड, तो यहाँ पे लिखना है हमको, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करें पहले, यहाँ हम लिखेंगे मॉड माइनस जेड इज इक्वल टू मॉड जेड लेस देन वन, इतनी पूरी बात लिखेंगे तो हो जाएगा वन माइनस माइनस जेड इज इक्वल टू वन प्लस जेड इंटू वन अपॉन वन प्लस जेड इज इक्वल टू वन, यही सम इसका आया, इस सीरीज का सम वन आया, सम फंक्शन का है, दिस इज कॉन्स्टेंट फंक्शन एंड विच इज इक्वल टू वन, एग्जाम्पल नंबर थ्री, एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ द पावर सीरीज एग्जामिन द बिहेवियर बिहेवियर ऑफ द पावर सीरीज समेशन टू टू इन्फिनिटी z to the power n upon n bracket log n whole square on the circle of convergence, on the circle of convergence, convergence within circle of convergence mod z less than r सीरीज कन्वर्जेंट होती ही होती है, हमें उसकी बाउंड्री पे नेचर देखना है ऑन द सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसमें कुछ शुरू करने से पहले एक रिजल्ट हम लिखेंगे, उसका हवाला देंगे कि ऐसा हम जानते हैं, वी नो दैट, और आपको जानना चाहिए, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रियल नंबर्स के इलाके का रिजल्ट है ये, वी नो दैट सिग्मा वन अपॉन n bracket log n whole to the power p is convergent or divergent, हाँ पूरा लिख दे रहा है जबकि हमको divergent से कुछ लेना देना नहीं, is convergent or divergent according as p greater than 1 or p less than or equal to 1, ये रिजल्ट आपकी आंखों के सामने लिखा रहेगा तो ठीक रहेगा। सिग्मा टू टू इन्फिनिटी ए एन जेड टू दी पावर एन इज गिवन टू बी सिग्मा टू टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन ब्रैकेट लॉग एन होल स्क्वायर जेड टू दी पावर एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ए एन अपॉन ए एन प्लस वन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड दिस अपॉन दिस करिएगा तो हो जाएगा n प्लस वन अपॉन n इंटू लॉग ऑफ n प्लस वन अपॉन लॉग n और इसका स्क्वायर यही आएगा ना, चूंकि ये पॉजिटिव नंबर से बाहर निकल आएंगे, इम्प्लाइज दैट
लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन प्लस वन अपॉन एन, एक ए हो गया, एक हो गया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लॉग एन प्लस वन अपॉन लॉग एन और होल स्क्वायर। पहले ब्रैकेट का तो लिमिट वन आ गया, इज इक्वल टू वन, और फिर दूसरे ब्रैकेट में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लॉग एन इंटू वन प्लस वन बाई एन, ऐसे लिख दिया, अपॉन लॉग एन होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लॉग एन प्लस लॉग ऑफ वन प्लस वन बाई एन अपॉन लॉग एन होल स्क्वायर इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस लॉग ऑफ वन प्लस वन बाई एन अपॉन लॉग एन होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस, ये हो जाएगा वन प्लस जीरो ना, तो लॉग वन जीरो आएगा और नीचे लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएगा, दिस इज इक्वल टू वन प्लस जीरो डॉट वन बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू वन प्लस जीरो डॉट जीरो इक्वल टू वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन। देयरफॉर कैपिटल आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, और ये बराबर कितना आया वन। दस मॉड जेड इज इक्वल टू आर, दैट इज मॉड जेड इज इक्वल टू वन इज द सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, इज द सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। पहले हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालें, फिर सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस आया है, अब इसके ऊपर हम नेचर देखने जा रहे हैं कि जब मॉड जेड वन के बराबर हो तो दी हुई सीरीज का नेचर क्या होगा। देखो मॉड जेड वन के बराबर दो ही स्थितियों में हो सकता है, एक जब जेड खुद ही वन हो और एक जब जेड वन ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जेड वन नहीं है फिर भी उसका मॉडुलस वन आए। तो नंबर एक, व्हेन जेड इक्वल टू वन मॉड जेड इक्वल टू वन सिग्मा टू टू इन्फिनिटी सीरीज था z टू द पावर n अपॉन n ब्रैकेट log n होल स्क्वायर इज इक्वल टू z इज इक्वल टू वन, इसमें रखिए सिग्मा टू टू इन्फिनिटी वन अपॉन n ब्रैकेट log n होल स्क्वायर, और अभी वी नो दैट जो लिखे थे शुरू में विच यहाँ पे p की जगह 2 है जो कि एक से बड़ा है, कन्वर्जेंट विच इज कन्वर्जेंट विच इज कन्वर्जेंट। दूसरी स्थिति बनती है when z not equal to 1 but mod z is equal to 1, it is quite possible। इस केस में ये देखा, अब मॉड लेके चलेंगे हम, सिग्मा 2 टू इन्फिनिटी मॉड z टू द पावर n अपॉन n log n होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 टू इन्फिनिटी मॉड z होल टू द पावर n अपॉन, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं बाहर निकल आएंगे, एन लॉग एन होल स्क्वायर, और मॉड जेड तो वन के बराबर है तो ये बराबर हो जाएगा सिग्मा टू टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन ब्रैकेट लॉग एन होल स्क्वायर, अगेन वही चीज आ गया विच इज कन्वर्जेंट। तो हमने देख लिया कि सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर दी गई पावर सीरीज कन्वर्जेंट होगी, यही नेचर पता किया हमने। हेंस गिवन पावर सीरीज is convergent on the circle of convergence, on the circle of convergence। एक और देख लीजिए फिर इस वीडियो को बंद करें। Example 4, investigate the behavior of sigma 1 to infinity z to the power n upon n on the circle of convergence।
ऑन द सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस. इसको शुरू करने से पहले एक रिजल्ट यहाँ पे लिखेंगे. डिरिचलेट टेस्ट एक होता है जिसकी चर्चा हम पहली बार कर रहे हैं. वी नो दैट सिग्मा ए एन इंटू वी एन इज कन्वर्जेंट इफ सिक्वेंस एस एन इज बाउंडेड. ये एस एन ऐसे न लिख के स्मॉल एस एन लिखिए कामा लिमिट एन टर्न्स टू इन्फिनिटी वी एन इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा मॉड वी एन माइनस वी एन प्लस वन इज कन्वर्जेंट. हियर स्मॉल एस एन इज इक्वल टू अगर वेरिएशन वन से है तो वन से इसका लेंगे मतलब nth पार्शियल सम है ए वन प्लस ए टू प्लस सो ऑन प्लस ए एन. अब शुरू करिए. लेट ए एन इज इक्वल टू जेड टू द पावर एन वी एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन देन ये जो सीरीज दी गई है वन टू इन्फिनिटी जेड टू द पावर एन अपॉन एन तो ये बराबर हो जाएगा सीरीज वन टू इन्फिनिटी ए एन और वी एन. नाउ अभी क्यों अभी मतलब अभी ऐसा मतलब मैं थोड़ा जल्दीबाजी कर रहा हूँ हड़बड़ जल्दी से मेरा वीडियो ये पूरा हो जाए. कोई बात नहीं थोड़ा सा स्लो स्पीड पहले तुम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लें ये सब लिखा रहने दो. नाउ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ए एन अपॉन ए एन प्लस वन. हाँ पहले तो जो बेसिकली दिया हुआ है उसके पहले एक लाइन ये भी तो लिखना होगा ना. लेट सिग्मा वन टू इन्फिनिटी ए एन जेड टू द पावर एन बी द गिवन सीरीज. थोड़ा ए एन बी एन को लेकर ना दिक्कत हो रही है इसी को चेंज करना है. ए एन को हम यहाँ पे लिख दें टी एन लिख दे रहा है टी एन बी एन और इसको हम कर दे रहे हैं एस एन को क्या कर दें टी वन प्लस टी टू प्लस सो वन प्लस टी एन. समझ रहे हो ना. नहीं तो इस ए एन से इस ए एन से फिर बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था. अब ठीक है बी द गिवन पावर सीरीज देन सिग्मा वन टू इन्फिनिटी ए एन जेड टू द पावर एन इज इक्वल टू सिग्मा वन टू इन्फिनिटी जेड टू द पावर एन अपॉन एन. अब लिखिए नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस वन कितना हो जाएगा एन प्लस वन अपॉन एन हो जाएगा और इसकी लिमिट आएगी वन. देयरफॉर मॉड जेड इज इक्वल टू वन इज द सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस. ए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है ना इज इक्वल टू आर तो यही तो होता है ना. देयरफॉर मॉड जेड इक्वल टू आर दैट इज मॉडजेड इज इक्वल टू वन इज द सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस इज द सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस. अब इस सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस पे पावर सीरीज का बिहेवियर हम डिस्कस करने जा रहे हैं. नंबर एक व्हेन जेड इक्वल टू वन सच दैट मॉडजेड इज इक्वल टू वन इन दिस केस सिग्मा वन टू इन्फिनिटी जेड टू द पावर एन अपॉन एन ये बराबर हो जाएगा सिग्मा वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन और आप जानते हैं कि ये पावर सीरीज पी सीरीज है सिग्मा वन अपॉन एन टू द पावर पी पी इज इक्वल टू वन हियर तो ये डाइवर्जेंट होगा विच इज डाइवर्जेंट विच इज डाइवर्जेंट. दूसरी स्थिति व्हेन जेड नॉट इक्वल टू वन बट मॉड जेड इज इक्वल टू वन इस केस में
मॉड जैसे पिछले वाले में किया तो वैसे ही कर रहे हैं, मॉड सिग्मा पहले लिखा ना, सिग्मा वन टू इन्फिनिटी मॉड z टू द पावर n अपॉन n इज इक्वल टू सिग्मा वन टू इन्फिनिटी मॉड z होल टू द पावर n अपॉन n, और मॉड z तो वन हम रख सकते हैं ना, तो हो जाएगा सिग्मा वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन n विच इज डाइवर्जेंट, विच इज डाइवर्जेंट। देखो ये मॉड वाली सीरीज है, मॉड वाली सीरीज अगर कन्वर्जेंट होती तो हम कहते हैं सीरीज हमारी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है और इसलिए कन्वर्जेंट है, लेकिन मॉड वाली सीरीज डाइवर्जेंट आ गई तो अब इस स्थिति में हम कुछ बोल नहीं बोल सकते सीरीज के कन्वर्जेंस के बारे में। सीरीज के कन्वर्जेंस के बारे में इज डाइवर्जेंट, वी कैन नॉट डिटरमिन द कन्वर्जेंस ऑफ, वी कैन नॉट डिटरमिन द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज सिग्मा वन टू इन्फिनिटी जेड टू दी पावर एन अपॉन एन, समझ रहे हैं ना। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट होती तो हम कहते हैं मॉड वाली सीरीज कन्वर्जेंट है और इसलिए सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है और इसलिए कन्वर्जेंट है, लेकिन ऐसा तो कोई घटना घट नहीं रही है तो कन्फ्यूजन की स्थिति आ गई, हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हम दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे और वो रास्ता होगा ये डिरिचलेट टेस्ट का। यही ऊपर मिटा के स्पेस क्रिएट कर रहा हूं मैं, बस 5-7 मिनट और। नाउ वी अप्लाई डिरिचलेट टेस्ट, नाउ वी अप्लाई, हाँ ये तो हमने लिखा ही नहीं ना कि इसको डिरिचलेट टेस्ट कहते हैं, ये लिख दो भैया डिरिचले टेस्ट। नाउ वी अप्लाई डिरिचलेस टेस्ट, डिरिचले ट का उच्चारण इसमें नहीं होता है, साइलेंट है, डिरिचले, डिरिचले पढ़ते हैं इसको, डिरिचले टेस्ट। और उसके लिए लेट टी एन इज इक्वल टू जेड टू द पावर एन वी एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन देन मॉड स्मॉल एस एन इज इक्वल टू मॉड टी वन प्लस टी टू प्लस सो वन प्लस टी एन इज इक्वल टू मॉड, यहां से निकलिए, जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस सो वन प्लस जेड टू द पावर एन। अंदर ही अंदर ज्योमेट्रिक सीरीज है एन टर्म्स वाली, पहला टर्म जेड है, कॉमन रेशियो जेड है, तो ये क्या हो जाएगा मॉड के अंदर फर्स्ट टर्म इनटू वन माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन वन माइनस कॉमन रेशियो कामा मॉड जेड लेस देन वन, ये निकला था ना, कॉमन रेशियो का मॉडुलस एक से छोटा है इसलिए ये फार्मूला लगा रहा है, एक से बड़ा होता तो ये इधर आ जाता, ऐसे उल्टा हो जाता, इज इक्वल टू ऊपर मॉड z माइनस z टू द पावर n प्लस वन और नीचे मॉड वन माइनस z, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड z माइनस मॉड जेड होल टू द पावर एन प्लस वन अपॉन प्लस मॉड वन माइनस जेड। लॉजिक दीजिए, सिंस मॉड ए माइनस बी लेस देन आर इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी इम्प्लाइज दैट मॉड स्मॉल एस एन इज लेस देन आर इक्वल टू, अब मॉड जेड तो वन लेके चल रहे हैं ना हम लोग, तो ऊपर हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन, नीचे हो जाएगा मॉड वन माइनस जेड इज इक्वल टू टू अपॉन मॉड वन माइनस जेड। वन माइनस जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस रियल नंबर होगा, तो ये एक नंबर हो गया मान लीजिए के रियल नंबर से, और मॉडुलस होने के कारण ये पॉजिटिव होगा।
Thus, there exists a positive number k such that mod Sn is less than or equal to k, and so sequence Sn is bounded. Now, एक रिजल्ट हम दिखा लेंगे, ये वाला। अब इसको देखें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वी एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वी एन किसको लेके चल रहे हम लोग, वन अपॉन एन को, वन अपॉन एन इज इक्वल टू जीरो। ये भी रिजल्ट दिखा लेंगे, अब सिर्फ इसकी बारी है, बस दो तीन मिनट और। Also, sigma mod Vn minus Vn plus 1 is equal to sigma mod 1 upon n minus 1 upon n plus 1 is equal to sigma mod 1 upon n into n plus 1 is equal to sigma 1 upon n into n plus 1 is less than or equal to sigma, हम sigma ना लगाएं तो क्या बुरा है, फालतू अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ऐसे करिए तो, less than or equal to 1 upon n square for all n, जैसे n की जगह n रहने दिए, इसकी जगह n कर दिए ना, तो नीचे हम कमजोर कर दिए, तो ये बड़ी हो जाएगी। इसकी नंबरिंग करें, नंबरिंग को याद ही नहीं, कोई नंबर डाला था कि नहीं डाला था, चलो वन। सिंस सिग्मा वन अपॉन एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, जानते हो ना, ये सिग्मा वन अपॉन इन टू द पावर पी है, पी एक से बड़ा है, देयरफॉर ये आपको हम बता चुके हैं, कंपैरिजन ऑफ टू सीरीज विथ रिस्पेक्ट टू कन्वर्जेंस, इफ यू एन लेस देन आर इक्वल टू वी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम, वेयर एम इज ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, देन सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट व्हेनेवर सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट, सिग्मा वी एन के कन्वर्जेंट होने से सिग्मा यू एन कन्वर्जेंट होगा, सिग्मा वन अपॉन एन स्क्वायर कन्वर्जेंट है इसलिए सिग्मा ऑफ दिस भी कन्वर्जेंट होगा, देयरफॉर बाई वर्च्यू ऑफ वन, बाई वर्च्यू ऑफ वन सिग्मा मॉड वी एन माइनस वी एन प्लस वन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, दस बाई डिरिचलेट टेस्ट, दस बाई डिरिचलेट टेस्ट सिग्मा टी एन इंटू वी एन दैट इज सिग्मा वन टू इन्फिनिटी, सब में वन टू इन्फिनिटी चल रहा है हर जगह, ये टी एन वी एन करेंगे तो जेड टू दी पावर एन इंटू वन अपॉन एन माने वन, ये हो गया वन टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। कंक्लूजन कंक्लूड कर दे, क्योंकि जेड इक्वल टू वन लेने पर कन्वर्जन नहीं निकला था, जेड नॉट इक्वल टू वन लेने पर कन्वर्जन निकला है, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट ऑन द सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, ऑन द सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस इफ जेड नॉट इक्वल टू वन एंड मॉड जेड इक्वल टू वन, वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो जरूर कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच।